टू माई चैनल। सो आज की वीडियो फूड ब्लॉगिंग होगा एंड मैं खुद रेड सॉस पास्ता बनाने वाली हूँ एंड नॉट मम्मी मैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। एंड अगर आप रेड सॉस पास्ता मेरी रेसिपी बनाते हैं अपने घर में तो मुझे टैग करना ना भूलें ऑन इंस्टाग्राम, आई वुड लव टू सी दैट। एंड यस, स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम बना रहे हैं पास्ता। एक गर्म पानी में, ठंडे पानी में पास्ता डालना है और इसे उबालना है अच्छे से ताकि पक जाए। ये मैंने डाल दिया पास्ता एंड मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है एंड थोड़ा सा ऑयल डालूंगी ताकि ये चिपके ना नीचे। अच्छे ऑयल डाल रही हूँ, बस एक टेबल स्पून डालना है आपको। बस अब आपको इसे ढक देना जब तक ये पक नहीं जाता और चेक करना है 5-10 मिनट। अभी हम चटनी बनाएंगे तो उसके लिए मैंने टमाटर काट दिए हैं और हरी मिर्च और लहसुन। अब इसे मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स कर देंगे। मैंने पास्ता उबल गया है, मैंने पास्ता को छान दिया है ऐसे। तेल गर्म हो चुका है और मैं डाल रही हूँ प्याज। प्याज को अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। ऐसे कैप्सिकम, प्याज भून, प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। कैप्सिकम को भी अच्छे से पकाऊंगी एंड देन उसके बाद जो हमने सॉस बनाया था वो डालूंगी। रेड सॉस जो बनाया था, वाओ, देख सकते हैं कितना अच्छा फ्लेवर आ गया है, कलर आ गया है और फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी आ रही है। इसमें टमाटर, मिर्ची और लहसुन की पीली भी डाल रही हूँ मैं स्वाद अनुसार। आप जितने लोगों के लिए बना रहे हैं उसके हिसाब से आप नमक, मिर्ची और पेपर डाल सकते हैं। मिर्ची डाल रही हूँ, चिली सॉस डाल रही हूँ मैं, ग्रीन चिली सॉस डाल रही हूँ मैं फ्लेवर्स के लिए, डाल रही हूँ मैं टेस्ट और टेस्ट के लिए मैगी मसाला डाल रही हूँ। मिक्स कर रही हूँ कुछ ऐसे, देख सकते हैं कितना अच्छा फ्लेवर आ गया है। डाल रही हूँ यम्मी, ट्राई जरूर करिएगा एंड जब आप ये मेरी रेसिपी बनाएं तो मुझे टैग जरूर करिएगा इंस्टाग्राम में। अब मैं पास्ता डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करना है।
सॉस पास्ता ऑलमोस्ट रेडी है। सॉस पास्ता रेडी है जो कि मैंने खुद बनाया है। ये